हेलो एंड वेलकम गाइस। आज का वीडियो उन लोग के लिए जिन्होंने आज तक अपनी बॉडी कोई फिजिकल रूटीन में या कोई फिजिकल स्पोर्ट में एंगेज नहीं करी हुई है और उन लोग को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो लोग कैसे करेंगे वही सब बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो एंड तक देखें आप वीडियो को। अगर आपने अभी तक कोई फिजिकल रूटीन नहीं स्टार्ट करा और करना चाहते हो, आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आते होंगे कि मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, वेयर टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करूं, वेन टू स्टार्ट और हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करूं वो। तो मैं वही 3 क्वेश्चंस का आंसर देने की आज कोशिश करूंगा। वेन एंड वेयर तो बहुत इजी है, आप घर पे ही स्टार्ट कर सकते हो और आज ही स्टार्ट कर सकते हो, आप जब भी चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है हाउ। हाउ डिफर करता है हर एक बंदे की प्रेफरेंस पे और हर एक बंदे के गोल पे। अगर आपको एक बॉडी चाहिए और दूसरे बंदे को एक बॉडी चाहिए, उन दोनों को अचीव करने के लिए कोई एक रूटीन नहीं हो सकता है। तो पहले आपको एनालाइज करना है आपका गोल, क्या आपको एकदम एस्थेटिक बॉडी चाहिए, बहुत श्रेडेड एब्स और बहुत श्रेडेड मसल्स चाहिए, वैसी बॉडी चाहिए, या आपको बस एक वेल टू डू फिजिक चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओ। क्योंकि ये सारी जो एस्थेटिक फिजिक्स होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। आपका गोल क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आप क्या रूटीन फॉलो करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए। तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी ड्रीम बॉडी क्या है जो आपको चाहिए अपने लिए। या तो वो काफ़ी एक्सट्रीम एंड तक हो सकती है, उसके लिए एक्सट्रीम एंड एफर्ट्स भी लगेंगे, या तो वो बस एक मीडियोकर एंड हो सकती है, उसके लिए नॉर्मल एफर्ट्स भी चल जाएंगे। तो एक बार आपके दिमाग में आपका गोल सेट हो गया, उसके बाद जो स्टेप आता है वो है एनालाइजिंग योर करंट फिजिक। आपकी करंट कंडीशन क्या है उसको एक बार अच्छे से देख लो, आप उसको अच्छे से एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो। क्योंकि आपके जो गोल है और आपका जो अभी का कंडीशन है उसके बीच में क्या प्रोसेस होगा वो आज की फिजिक डिसाइड करेगी। क्योंकि आज की जो आपकी कंडीशन है उसमें क्या तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा जिससे कि आपकी गोल वाली फिजिक अचीव हो पाए। तो आपकी आज की फिजिक एनालाइज कर लो। एक बार आपका गोल डिसाइड हो गया और एक बार आपने आज की फिजिक को एनालाइज कर लिया अच्छे से, फिर आता है वो पार्ट जहाँ पे सारा चेंज होगा, सारा प्लानिंग प्लॉटिंग और सारा सब कुछ होगा, डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा रूटीन बेस्ट रहेगा। जो ये जो डिस्टेंस है आपकी गोल वाली बॉडी का और आज की बॉडी का, वो डिस्टेंस सबसे कम टाइम में क्रॉस कर सके। आपको एक ऐसा रूटीन ढूंढना पड़ेगा जो आपकी आज की करंट कंडीशन को उस गोल वाली बॉडी की तरफ डे बाय डे क्लोजर लाता जाए, पास लाता जाए। वैसे तो काफ़ी वेरिएशंस होते हैं रूटीन के, पर आप स्टार्ट करोगे तो आपको या तो गेन करना पड़ेगा या तो लॉस करना पड़ेगा। पहले मैंने दोनों के लिए प्रोग्राम बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो वो भी देख लो, इंडेक्स कार्ड में लिंक दे दूंगा दोनों का। इनकेस आपके दिमाग में ऐसी कोई डिजायर्ड बॉडी है ही नहीं तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आपको बस एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और एक वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करना है और बस एक फिट लाइफस्टाइल जीने है। कोई गोल को चेज नहीं करना है आपको, आपको बस फ्लो के साथ चलते जाना है। अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, बस उतना काफ़ी आपके लिए। आई होप गाइज आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपका फिटनेस लाइफस्टाइल इस वीडियो के थ्रू। अगर मिल गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे बाकी वीडियोज़ नहीं देखे तो बाकी वीडियोज़ देख लो। अगर आपको गेन या लूज करना है तो उसके भी मैंने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, वो वाले वीडियोस देख लो। सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगली बार तक के लिए पीस आउट।